हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। तले आज आम परिमितिर 5B चैप्टर स्टार्ट करवा। तले 5A रे आम वृत्तर परिसीमा पढ़ी, वृत्त कलार परिसीमा बाहर करते। 5A रो आम पूरा पूरी सबकि इम्पोर्टेंट थ्योरी कवर कर सहित एग्जांपल एवं एक्सरसाइज कवर करते। आज आम 5B पढ़ा, 5B रो इम्पोर्टेंट कन्सेप्ट डिस्कसन करवा, ता सहित केतक इम्पोर्टेंट एग्जांपल डिस्कसन करवा। तले आज क्लास टी बहुत इम्पोर्टेंट, समस्ते भल भाव आज क्लास को देख। तले प्रथमे आमे आज कौन पढ़ा से कही रखुची। तले आमे आज वृत्तर क्षेत्रफल फर्मूला जानिबा, ता सहित वृत्त कलार क्षेत्रफल एवं वृत्त खंडर क्षेत्रफल जानिबा। तले प्रथमे देख, जेतेबेले आमे वृत्तर परिधि बाहर करथुले, वृत्तर परिधि बाहर करिया पे आमको कौन दरकार होतला, वृत्तर व्यासार्ध दरकार होतला। तले वृत्तर व्यासार्ध जदि आमको दौथला से आमे सेथिरु वृत्तर परिधि बाहर करथुले। ठीक से हीबळी जदि आमको वृत्तर व्यासार्ध देथिबो आमे वृत्तर क्षेत्रफल मध्य बाहर करि परिबा। तले वृत्तर क्षेत्रफलर फर्मूला कौन हम, वृत्तर क्षेत्रफल हम अर्ध परिधि गुणन व्यासार्ध, आमे कही परिबा कौन पाए आर स्क्वायर। वृत्तर क्षेत्रफल होची पाए आर स्क्वायर, जोटी आर होची वृत्तर व्यासार्ध। तले बुझिपाल समस्ते किपर भाव आम वृत्तर क्षेत्रफल बाहर करवा, वृत्तर क्षेत्रफल आम पाए आर स्क्वायर फर्मूला व्यवहार करता हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट फर्मूला, यही फर्मूला को यूज करके आम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तापर देख, ये आमर अच्छे दुईटी वृत्त, भितर अच्छे गोटे वृत्त, बाहर अच्छे गोटे वृत्त। भितर वृत्तर व्यासार्ध हूँ स्मॉल आर, एवं बाहर वृत्तर व्यासार्ध हूँ कैपिटल आर, एवं दुईटी वृत्त हूँ कनसेंट्रिक बा एक केंद्रिक। तले देखो गोटे केन्द्र से मानकर बा केन्द्र सामान जार केन्द्र को ये ओ लेटर द्वारा डिनोट करा जाय छे। तले जदि एही भाव तुमको दे थ पचार बलयर बलयकार क्षेत्रर क्षेत्रफल, तले कौन हो बाहर वृत्तर वृत्तर क्षेत्रफल माइनस भितर वृत्तर क्षेत्रफल। तले बाहर वृत्तर क्षेत्रफल केते हबो, जदि बाहर वृत्तर व्यासार्ध आर, तले बाहर वृत्तर क्षेत्रफल हबो पाए कैपिटल आर स्क्वायर, एवं भितर वृत्तर कैपिटल क्षेत्रफल हबो पाए स्मॉल आर स्क्वायर। तले हमरो बलयकार क्षेत्रर क्षेत्रफल कौन हो बाहर वृत्तर क्षेत्रफल माइनस भितर वृत्तर क्षेत्रफल केते हे गला पाए कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाए स्मॉल आर स्क्वायर। तले पाए कॉमन गले आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तले एटा हला बलयकार क्षेत्रर क्षेत्रफल। तले तमनको ए भळा क्वेश्चन मध्य देथिबो, तले भितरटा होची गोटे बलय बुझेगा, बाहर गोटे वृत्त भितर गोटे वृत्त थी एवं दुईटी वृत्तर मध्यवर्ती स्थान हूँ गोटे बलय। तले ए फर्मूला यूज करके बलयकार क्षेत्रर क्षेत्रफल बाहर कर। बलयकार क्षेत्रफल आम देखा वृत्त कलार क्षेत्रफल। तले जहाँ भी आम डिस्कसन करसबू फर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट, तुमने जिते बड़े भी को भी क्वेश्चन सल्व कर सब बड़े फर्मूला तुम मानक मन रखापी पड़ो, बिना फर्मूल को भी क्वेश्चन को सल्व करें। तले जदि समस्ते बुझिपारुछ भल लगुच क्लास टी, तले निश्चित भाव कमेंट रे जनाओ, एवं जदि कहार कौटे किसी डाउट रोच कि भी बुझिपार ना तुमने कमेंट रे निजर डाउट बा क्वेश्चन को पचारि पार, जो क्वेश्चन तुमको डाउट थी से आम आउ थे डिस्कसन करवा भल भाव आउ थे पढ़ा। ता सहित जदि तुम मानक क्लास टी भल लगुच एवं सब बुझिपारुछ ताल निश्चित भाव आवेदी लर्णिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करनी, भिडियोटी निजर सांग सहित सेयार कर। ठीक अच्छे, तले एबे आमे देखिबा बलयकार वृत्त कलार क्षेत्रफल। तले आमे आ पूर्व चैप्टर रे पढ़ी चंती वृत्त कलार परिसीमा। तले आज आमे वृत्त कलार क्षेत्रफल बाहर करिबा। तले देख वृत्त कलार परिसीमा आमे बाहर करथिले, आमे कौन करथुले आमे व्यासार्ध को जोग करथुले दुईटी व्यासार्ध को, एवं कौन करथुले ना चापर दैर्घ्य को जोग करथुले। तले व्यासार्ध दूर दैर्घ्य बा व्यासार्धर दैर्घ्यर दुई गुण प्लस चापर दैर्घ्य, यही फर्मूला आम कौन करते ना वृत्त कलार परिसीमा बाहर करते। देखा आम वृत्त कलार क्षेत्रफल किपर बाहर करवा। तेल देख वृत्त कलार क्षेत्रफल बाहर करवाई आम पाखे फर्मूला अच्छी कौन, हाफ इंटू वृत्त कलार चापर दैर्घ्य इंटू व्यासार्ध। तले ठीक जब आम परिसीमा बाहर करी जदि आमको वृत्त कलार चापर दैर्घ्य एवं व्यासार्ध देला,
ठीक से हीभरी भाव में जदि आमको वृत्तकलार चापर दैर्घ्य और व्यासार्ध देखें हाफ एल आर हाफ इंटू वृत्तकलार चापर दैर्घ्य इंटू व्यासार्ध फर्मूला यूज करके आम वृत्तकलार क्षेत्रफल बाहर कर देख एबे जदि आमको चापर डिग्री परिमाप थीटा देखें कौन फर्मूला यूज करवा फर्मूला यूज करवा थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाए आर स्क्वायर बा थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाए आर स्क्वायर जगह आम पुट करपर वृत्तर क्षेत्रफल बुझिपार तेल आम पाखे जो दुईटा फर्मूला अच्छे गोटे चापर दैर्घ्य देला बेले आम यूज करवा आउ गोटे चापर डिग्री परिमाप देला बेले आम यूज करवा दुईट कंडीशन ने आमको दुईट फर्मूला यूज करने को पड़ो प्रथम जितेबाला आमको चापर दैर्घ्य एल दे सेते बड़े आम यूज करवा हाफ एल आर फर्मूला एवं जिते बड़े आमको एल न दे न देकी थीटा बा वृत्तकलार चापर दैर्घ्य न दे वृत्तकलार चापर डिग्री परिमाप देते आम कौन फर्मूला यूज करवा थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाए आर स्क्वायर तेल आम जो आज तीनोटी फर्मूला पढ़ले बहुत इंपोर्टेंट प्रथम वृत्तर क्षेत्रफल फर्मूला द्वितीयटी थिला बलाकार क्षेत्रर क्षेत्रफल फर्मूला एवं तृतीय रे वृत्तकलार क्षेत्रफल फर्मूला ताल देखो वृत्तकलार क्षेत्रफल निर्णयर अनुरूप पद्धति अवलंबन करी आमे वृत्तर क्षेत्रफल निर्णय करी पारिबा बुझेला ताले वृत्तकला आमर कंप्लीट हे गला नेक्स्ट वृत्तकला पर देखिबा कोन अछि तेल आमर इम्पोर्टेन्ट कनसेप्ट थ्योरी जो थी चैप्टर ये सरला आम कि फर्मूला जान लें जो फर्मूला को आम एज करवा केतक इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन सल्व करवा तेल समस्त को स्क्रीन ने क्वेश्चन दिशुव जदि समस्त को क्वेश्चन क्लीयरली दिशुची तेल तुमने कमेन्ट रे जनाओ एवं जदि क्वेश्चन पढ़ी पार कि बुझी पार ताल पचार तेल जो मैंने क्वेश्चन को क्लीयरली देखिपुच से मैंने चेष्टा कर सब बेले निजे क्वेश्चन को सल्व करने कहीं आम फर्मूला अलरेडी डिस्कशन कर सारे खाली फर्मूला को पुट कर वैल्यू को यूज करके क्वेश्चन आंसर बाहर कर समस्ते जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सल्व कर एवं आंसर बाहर करने चेष्टा कर मुझार आंसर भी ठीक थी से मैंने मुझे जो स्टेप तहत मैच कर जो मानक भूल थी से भिडर प्रत्येक स्टेप देखिए निजर क्वेश्चन को करेक्ट करेब तेज़ ठीक अच्छे समस्ते करेंगे स्टार्ट कर मध्य करुच्ची जदि किसी न बुझीपार ताल निजर डाउट को पचार तेल कौन देखिए देखो क्वेश्चन गोटे वृत्तर परिधि 352 मीटर हेले यार क्षेत्रफल केते हबो ताल देखो आमको वृत्तर परिधि दे दीजिए ताल देखो आम जानते वृत्तर परिधि फर्मूला कौन टू पायर जदि स्मॉल आर वृत्तर व्यासार्ध हुए ताले टू पायर हूँ वृत्तर परिधि ताले आम इतना सल्व करके आर स्मॉल आर वैल्यू बा वृत्तर व्यासार्ध बाहर कर ताल देखो आम सल्व करवा आर रैल्यू बाहर करवा आर के 352 डिवाइडेड बाय 2 पाए तेल पाए रैल्यू आमको क्वेश्चन ने केते 22 बाय 7 तेल 352 डिवाइडेड बाय 2 इंटु 22 ऊपर को पड़ेगा 7 तेल सल्व कर समस्ते केते बाहर आर कमेंट रे जनाओ तेल देखो आमर 352 इंटु 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटु 22 तेल 352 इंटु 7 डिवाइडेड बाय 44 करदे के 56 मीटर तेल आर बाहरी पड़ा 56 मीटर आमको पचारि कौन पचार क्षेत्रफल तेल क्षेत्रफल किपर बाहर करवा देख तेल देख क्षेत्रफल बाहर कर फर्मूला कौन पाए आट स्क्वायर पाए रैल्यू पुट करवा 22 बाय 7 एवं आट स्क्वायर रैल्यू कौन फिफ्ट आर्ट हूँ 56 तेल 56 स्क्वायर 22 बाय 7 इंटु 56 स्क्वायर कले खाली सल्व करवा बाहर करवा के देख 9856 वर्ग मीटर सब यूनिट लिख एकक ये आमर क्षेत्रफल एकक कौन हम क्षेत्रफल सब वर्ग एकक बाहर जेहेतु आमर एटी व्यासार्ध मीटर अच्छी क्षेत्रफल ये वर्ग एकक बाहर वर्ग मीटर तेल देख परिधि आमको दे 352 मीटर आम क्षेत्रफल के आम पाइले 9856 मीटर 56 वर्ग मीटर तेल यही भाव में तुमको जदि परिधि दे थ
परिधिरु वृत्तर व्यासार्ध बाहर करिबो एवं वृत्तर व्यासार्धरु वृत्तर क्षेत्रफल बाहर करिबो। ठीक यार रिवर्स मध्ये दे पारे वृत्तर क्षेत्रफल देइतिबो वृत्तर परिधि मध्ये पचार थाय पारे। तेनो क्वेश्चन जहाँ भी दोना काहे कि तुम मानको फॉर्मूला मन रखिया पई पड़िबो। तले ए क्वेश्चन आमे कोन फॉर्मूला यूज करचंती, ए क्वेश्चन आमे वृत्तर व्यासार्ध एवं वृत्तर क्षेत्रफल रो फॉर्मूला यूज करचंती। ठीक अछि तले समस्ते बुझि पालो जदि कमेंट रे निश्चित भाबरे जणाओ। तापर आमे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन दे गोटे वृत्तर क्षेत्रफल के 2464 वर्ग डेकामीटर हेले यार व्यास एवं परिधि निर्णय कर। ताले एठी आमको वृत्तर क्षेत्रफल देदेला पचारा व्यास एवं परिधि। ठीक अच्छे पढ़िया क्वेश्चन समस्ते करें सिंपली वृत्तर क्षेत्रफल फॉर्मूला प्रथम यूज करवा। तेल मनेकर वृत्तर व्यासार्ध हूँ स्मॉल आर, ताले वृत्तर क्षेत्रफल के वृत्तर क्षेत्रफल हो पाए आर स्क्वायर जोटा कि क्या सहित सामान 2464 वर्ग डेकामीटर। ताले को हमें सॉल्व करके आर रो वैल्यू तो बाहर करि परबा। ताले देखो आर केते हे जिवो, ताले देखो इठी आर स्क्वायर हे जिवो 2464 डिवाइडेड बाय 22 इनटू 7 सॉल्व कर देले बाहरी पड़िबो 784। ताले आर बाहरी पड़िबो केते 784 रो स्क्वायर रूट जोटा कि 28। ताले हमर आर बा वृत्तर व्यासार्ध बाहरी पड़ला केते 28। आमको पचारिचे कौन व्यास पचारिचे क्वेश्चन को भल भाव पढ़व टिके टिके जदि भूल कल क्वेश्चन को पढ़वर भी भूल कर दियो ताले मध्ये भूल हो आमको ये वृत्तर व्यासार्ध मागिनी वृत्तर व्यास मागिचे तेणु आम व्यास बाहर करवा। व्यास हूँ कौन व्यासार्धर दुई गुण ताले व्यास हूँ 2R 2 × 28 केतला 56 डेकामीटर 56 डेकामीटर। तप देख ये आम 56 डेकामीटर रहा ये एकक लिखू। तापर पचारि परिधि, परिधिर फर्मूला कौन 2πr। ताले 2πr हेले आर जगह आम 22 फुट करके 2πr वैल्यू बाहर करें 2 × 22/7 × आर जगह पुट कर 28 ताले केते भारी पड़ला 176 डेकामीटर 176 डेकामीटर। ताले देखो हमें क्षेत्रफल रु किपर भाव परिधि बाहर कले ताले क्षेत्रफल रु परिधि बाहर करो किंबा परिधि रु क्षेत्रफल बाहर करो ए सब पई हमको कौन करिया को पड़िबो वृत्तर व्यासार्ध बाहर करिया को पड़िबो। ताले हमें फॉर्मूला जानले ताको सॉल्व करके बाहर करि परिबा। ताले ठीक अछि जदि समस्त ए क्वेश्चन टी बुझि पालो कहार किछ डाउट रहलानी ताले निश्चित भाव रे कमेंट रे जणा तापर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख कौन दे गोटे लुहा तार द्वारा गठित वर्ग क्षेत्रटीर क्षेत्रफल के 24649 वर्ग सेंटीमीटर यह बंकाई वृत्तरे परिणत कले वृत्तटीर क्षेत्रफल केते हबो बुझिगला। ताले आम कि कौन दे गोटे लुहा तार द्वारा जो वर्ग क्षेत्र कर से वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल देदेचे आउ यही से ही तार को आम जब बंके गोटे वृत्त करुँचे वृत्तर क्षेत्रफल केते हबो पचारे। ठीक अच्छे ताले गोटे तार रु आम जब गोटे वर्ग क्षेत्र करुँचं से ही तार रु आम जब गोटे वृत्त करुँच दुईट क्षेत्र मध्य कौन सामान रिसीमा सामान रे ताले वर्ग क्षेत्र परिसीमा वृत्तर परिधि सहित सामान हम। ताले प्रथम आम देख कौन करवा ताले प्रथमे आमे वर्ग क्षेत्र मनेकर बाहू को नबा ए ताले वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल केते हे जिवो ए स्क्वायर ताले ए स्क्वायर हे गला केते 24649 तो एबे आमे ए बाहर करि परबा बा बाहू रो दैर्घ्य बाहर करि परबा। ताले समस्त सॉल्व करो एवं बाहू रो दैर्घ्य निर्णय करो। ताले देखो बाहू केते बाहरुचि ताले बाहू ए हे जिवो केते ना 157 सेंटीमीटर ताले बाहू हो गला 157 सेंटीमीटर। ताले एबे आमे बाहूर दैर्घ्यरु कौन बाहर करि परबा बाहूर दैर्घ्यरु परिसीमा बाहर करि परबा। वर्ग क्षेत्र परिसीमार फर्मूला समस्त मन अच्छे वर्ग क्षेत्र परिसीमा हूँ कौन 4 × बाहूर दैर्घ्य ताले 4 × 157 सेंटीमीटर जोटा कि बाहरी पड़ला 628 सेंटीमीटर।
ताले वर्ग क्षेत्र परिसीमा पाईगले जेहेतु आम पाखरे गोटे तार जो तार को आम वर्ग क्षेत्र कर पुणी से तार को आम वृत्त करते वृत्त और वर्ग क्षेत्र भितर सामान हूँ कौन परिसीमा ताले वर्ग क्षेत्र परिसीमा जदि एतिक वृत्तर परिधि से हम ताले मन कर वृत्तर व्यासार्ध है स्मॉल आर ताले वृत्तर परिधि टू पाए आर के 628 तेल एमें आर बाहर करें समस्त सल्व करके आर बाहर करो पायर वैल्यू तो क्वेश्चन दे 3.14 तेल आर बाहर करो देखो आर के बाहर देखो आर बाहर के 100 सेंटीमीटर तेल आम वृत्तर व्यासार्ध पाईगले 100 सेंटीमीटर आमको पचारि वृत्तर क्षेत्रफल वृत्तर क्षेत्रफल हूँ पाए आर स्क्वायर वृत्तर क्षेत्रफल फॉर्मूला है पाए आर स्क्वायर पाए जगह पुट करवा 3.14 इंटू आर स्क्वायर है 100 रो स्क्वायर जोटा कि होगा के 31,400 वर्ग सेंटीमीटर ठीक अच्छे सेंटीमीटर स्क्वायर ताले बाहरी पड़ला तो ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम ताले तुमने जदि पूर्व वर्षर क्वेश्चन देखिबो ताले एई भली क्वेश्चन एग्जाम रे आसीथिबो कहिंकि ना सब क्वेश्चन तो तुमको डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके आंसर बाहर करया को देबनी एई भलिया क्वेश्चन तुमको पचारिबो एग्जाम रे जोथरे कि तुमको टिके भापिकी भल भाव में करया पई पड़िबो ताले ठीक अछि आजर क्लास रे हमें सब इंपोर्टेंट कांसेप्ट बा फॉर्मूला कवर करले 5B चैप्टर ता सहित केतेक इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्ये डिस्कशन करले रेस्ट जो क्वेश्चन रहिगला हमें ताको नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करबा ताले आजर क्लास को एट रखिबा फोन नेक्स्ट क्लास रे जोडु छाडली सेठो कंटिन्यू करबा थैंक यू।